नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान अली खान। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सुफियान इंटरनेट हब। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि रेलवे RRB जो है उसका जो कि फोटो अपलोड और सिग्नेचर के लिए एक नोटिफिकेशन आया था 15। दिसंबर से उसका अपडेट होगा। तो यहाँ पर देखिए, रेलवे RRB के लिए जो पोस्ट आया नोटिफिकेशन का, उसका डेट आ चुका है 15 से लेके आपको 15 से लेके 26 दिसंबर तक अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए आपसे 100 रुपया का पेमेंट यहाँ पर लिया जाएगा और ये अपडेट आपको फोटो और सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ पर जो रेलवे ने टोटल जो है कि यहाँ पर दो चेक स्टेटस ओनली मॉडिफाई सिग्नेचर, तो यहाँ पर चेक स्टेटस के थ्रू से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मॉडिफाई पर क्लिक करके आप अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए अपना फोटो सिग्नेचर, साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ सबमिट करना। सबमिट करने के बाद जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपसे 100 रुपया का पेमेंट रेलवे के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर आप बड़े आसानी के साथ अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें अपलोड करने से पहले यहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर लेंगे कि आपका फोटो रिजेक्ट हुआ है कि नहीं। तो इस वाले लिंक को क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है। तो देखिए, यहाँ पे ये लिंक आ जाएगा स्टेटस चेक करने पर। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना अपना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालना। तो देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमने डाल लिया, पासवर्ड भी डाल दिया है। अब यहाँ पे मुझे सर्च करवा लेना है। सर्च करवाने के बाद देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका रिजेक्ट हुआ है या नहीं है। तो इस वाले ऑप्शन पर जैसे आप डालते हैं, सबमिट करते हैं, तो योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड फोटो। तो यहाँ पर इफ यू वांट टू अपलोड फोटो सिग्नेचर बोथ, प्लीज पे प्रिस्क्राइब फीस ऑफ ₹100 लॉगिंग इन द बिलो। यहाँ पर क्लिक करके लिंक के थ्रू से आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि ये क्या है पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए, लिंक ओनली फॉर स्टेटस, यहाँ मॉडिफिकेशन, इस वाले लिंक पर जैसे आप क्लिक करते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे पूरा कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आप डालिएगा। उसके बाद आपसे, चलिए यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ को फिर से डाल लेता हूँ, और यहाँ पर कैप्चा को बड़े आसानी आराम से आप डाल लीजिएगा। डालने के बाद आपको लॉगिन करना है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबमिट किए जैसे, तो सबमिट करने के बाद आपसे यहाँ पे 100 रुपये का देखिए मॉडिफिकेशन कह रहा है, योर इनवैलिड और मॉडिफिकेशन फीस, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। तो इफ़ यू ऑलरेडी पेड, तो यहाँ पर नीचे से आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि पेमेंट किए हुए हैं, तो नीचे से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे करना है, और यहाँ पे 100 रुपये का जो है, तो यहाँ पर लिखा है, उम्मीदवार ध्यान दे, एक बार किया गया भुगतान रद्द नहीं किया जा सकता, किसी भी परिस्थिति में रद्द करने और धन वापसी वापसी से के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। कार्ड भुगतान के खिलाफ चार्ज बैक दावे की अनुमति नहीं है क्योंकि भुगतान सेवाएं के बाद किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर लेना। जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपको जो है फोटो और साइन को अपलोड करने वाला जो है कि यहाँ पर पोर्टल खुल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए बड़े आसानी के साथ आप जैसे क्लिक करते हैं तो आ जाना है आपको पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर चलिए मैं मुझे पेमेंट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो पहले का फोटो का फॉर्मेट था, तो वो फोटो में नीचे नेम और डेट ऑफ बर्थ रहना था, यहाँ पर नेम और डेट रहता था, यहाँ पर नेम है ये। अब क्या इसमें देना है कि ये नीचे वाला जो है डेट ऑफ बर्थ और नेम को हटा देना, सिर्फ फोटो को अपलोड करना है। तो यहाँ पे फोटो को अपलोड करना है, बस इतना फोटो को अपलोड कर देना, हो गया आपका ये फोटो। तो यहाँ पर आपको देखें 100 रुपये का पेमेंट कर लेना है। तो बड़े आसानी के साथ यहाँ पे हम चलते हैं, और यहाँ पे देखिए हम पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट के लिए यहाँ पे दो मेथड है, आपको नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सारे माध्यम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है, तो आपको वेट करना QR कोड के थ्रू से पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण से पेमेंट नहीं है। तो अभी थोड़ा सा इसमें साइट में प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि 4 साढ़े 4 लाख लोगों का जो कि ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, फोटो इनवैलिड। तो थोड़ा सा 1-2 दिन रुक के आप बड़े आराम के साथ अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि 26/12 तक इसका डेट दिया गया है।
तो आज से 10 दिन आपका है, 15 से लेके 26, 11 दिन का टाइम दिया है, तो बड़े आसानी के साथ आप अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।